अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामीन फ्रॉम फ्रंटियर एंटरप्राइजेज। आज हम आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आए हैं जी। मीडिया ब्रांड के मल्टी फंक्शनल इंडक्शन कुकर्स लेके आए हैं। मीडिया बेसिकली हांगकांग का ब्रांड है ये। और जो अच्छा, दो किस्म की बॉक्स आपके सामने लगे हुए हैं, वाइट और ब्लू। ये हांगकांग के अपने लिए बना हुआ है और ये बने हुए हैं यूरोप के लिए। बट सेम बॉक्स, मतलब बॉक्स डिफरेंट है, सेम एग्जैक्ट चीज़ है, तो बॉक्स पे मत जाएं, चीज़ एक ही है। और जिस किसी को भी वाइट बॉक्स मिले, ब्लू बॉक्स मिले, एक ही चीज़ मिलेगी। दूसरी बात यह है कि मीडिया के बारे में आपको बताऊँ, मीडिया काफ़ी बड़ा ब्रांड है। इसके एसीज भी आते हैं, फैंस भी आते हैं, आपके मिडल ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मीडिया ब्रांड का सामान। ये ओरिजिनल लॉट के इंडक्शन कुकर्स हैं। बॉक्स आप देख सकते हैं, पैकेजिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है इनकी, ये ज़रूरी है। अभी आप मेरी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर के लोग कैसे दो नंबरी करके एक ही आइटम बार बार आपको दे जा रहे हैं और मुख्तलिफ नामों से दे रहे हैं, मुख्तलिफ। अभी आप देख सकते हैं, ये आइटम देख सकते हैं आप, जर्मनी की लॉट में ये आइटम आप देखें, एक बंदा बेच रहा है। सेम एग्जैक्ट स्टोव आप देखें, दूसरा स्टोव है, एग्जैक्ट वही स्टोव है आपको। ये अब जापान की लॉट में मिल रहा है, सिर्फ ब्रांडिंग चेंज हुई हुई है। अब एग्जैक्ट सेम स्टोव आपको मिल रहा है, फिर जापान की लॉट में कोई और चीज़ मिल गई है। सारा दो नंबर सामान है, सब कॉपी चाइनीज सामान है, तो धोखेबाजों से बचें आप। तो आगे थोड़ी सी अब डिटेल आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये है जी मीडिया ब्रांड मल्टी फंक्शनल इंडक्शन कुकर है, और ये इसकी फर्स्ट लुक है, आप देख सकते हैं। बॉक्स ओपन करके ज़रूर दिखाऊंगा मैं। मॉडल नंबर है इसका IH2006। अब बॉक्स के अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर जो पहली चीज़ है, प्रीसेट पावर ऑफ टाइमर है इसके अंदर। यहाँ पे आप देखें, सिंपल फंक्शन है, बहुत ही आसान। इसके 8 लेवल्स हैं इसके पावर के, 6 कुकिंग मोड्स दिए होंगे इसके अंदर। ये इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन आ गई है, 2000 वाट टोटल लेता है। बेसिकली इसके एडजस्टेबल टेम्परेचर है 100 वाट से लेके 2000 वाट, अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंगली आप इसको दे सकते हैं। 3.3 kg इसका वेट है, डायमेंशन नीचे लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है। बाकी आपको बॉक्स जल्दी से ओपन करके आगे दिखाता हूँ, इसके अंदर से और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ये जी हमारा बॉक्स, पैकेजिंग कुछ इस तरह की होगी, अंदर से बिल्कुल अच्छी पैकेजिंग है, बाहर से कॉम्प्रोमाइज्ड है पैकेजिंग, बहुत अच्छे डब्बे नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको शू ही दिखा देता हूँ, इसका इंग्लैंड वाला शू है इसका, और ये इसका आपका स्टोव है, और ये पॉट दिया हुआ है इसके साथ। मेन चीज़ निकालने से पहले आपको दिखा दूँ, एक आप अदद आपको मीडिया के इसके अंदर से ये मिलेगी, क्या चीज़ है, वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और वारंटी यहाँ पर क्लेम नहीं होती। ये इसकी यूज़र मैनुअल आपको मिलेगी, एक अदद आपको स्टेनलेस स्टील का पॉट मिलेगा, और साथ ही साथ उसके ऊपर ये ग्लास की लिड है, ये भी इंक्लूडेड है। ये है जी हमारी इंडक्शन कुकर की फर्स्ट लुक, ये आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लुक, ये इसकी फर्स्ट लुक है। ये इसके बटन वगैरह सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा ये देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर, वाटर शॉर्टेज सब कुछ इधर लिखा। ये इसकी साइड प्रोफाइल है, और ये फ्रंट, बैक साइड पे अगर देखो तो नीचे यहाँ पे फैन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका स्टिकर लगा हुआ है, और यहाँ बारकोड। अब बात करते हैं जी इसकी टोटल चीज़ों की। सबसे ऊपर एनर्जी इसके अंदर लेबल दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे आए तो ये जो इसकी प्लेट है, ये ग्लास की नहीं है, कोई और मटेरियल यूज हुआ है, और बड़ी मैट फिनिश में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे मीडिया की लेबलिंग हुई हुई है, ऑन ऑफ यहाँ पे है, स्टीम है, पैन फ्राई है, सूप है, बॉयल है, और हॉट पॉट है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट टाइमिंग के साथ इसके प्री फीचर्स हैं सारे। यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग दी हुई है, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैन्युअली टाइमर भी दिया हुआ है, और ये है इसका प्लस माइनस। सबसे मज़े की चीज़ ये है, 120 वॉट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और 500, 800, 1000, 1300, 1600, 1800, 2000 तक आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ऊपर देखें आप, यहाँ पे इसके टेम्परेचर लिखे हुए हैं, कितने वॉट पे कितना टेम्परेचर होगा। यहाँ पे LCD एक दी हुई है, ये आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है, जो इंडक्शन कुकर होता है वो नॉर्मल हॉट प्लेट से जो है 2 to 3x फास्टर होता है। और इसको अगर गैस स्टोव के साथ कंपेयर किया जाए तो देखें, गैस स्टोव कितना स्लो चल रहा है, और जो है हमारा इंडक्शन कुकर कितना फास्ट हीटिंग करता है, और फ्लेमलेस होता है ये, और इसकी बॉयलिंग जो है वो बहुत फास्ट होती है,
और इससे कूल रहती है आपकी सरफेस भी। अभी इसको जल्दी से प्लग इन करते हैं तो थोड़े से फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें होंगे। हमने इसको प्लग इन कर लिया है और यहाँ से अभी हम पावर ऑन करेंगे इसकी ये, और अभी इसको हम रखते हैं मिनिमम पे लेके जाते हैं, 100 पे लेके जा रहा हूँ। यह आप इसको अपने अकॉर्डिंगली खुद सेट कर सकते हैं। 2000 वाट पे मैंने इतना ज़्यादा पानी डाला और टाइम आप चेक करें कितना सा लेगा, वो देखिए बबल बनना शुरू हो गया। विद इन सेकेंड्स पानी गर्म आग हो चुका है। बहुत ज़्यादा फास्ट होता है हॉट प्लेट से, ये तकरीबन 3x से भी बल्कि ज़्यादा ही कह सकते हैं फास्टर होता है, कम टाइम कंज्यूम करता है। और उससे भी मज़े की बात कि ये जब मैं उठाऊंगा पतीला ऊपर से, इसका जो है पॉट है, इस पॉट को आप ये उठाएं, नीचे आपकी जो बेस है वो हॉट नहीं होगी, सरफेस इसकी बेस की वो ठंडी रहेगी। दोबारा रखेंगे तो और ये इसने दोबारा वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट फीचर्स हैं। इधर हमारे पास बॉयल है, ये देखें बॉयल पे टेम्परेचर कुछ और है, सूप पे कुछ और है, स्टीम पे डिफरेंट है, ये पैन फ्राई है, आपने खाली फ्राई करना है वो ये है, हॉट पॉट ये है, और ये मैनुअल है। और ये देखें अभी से धुएं निकल रहे हैं इसके और ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका होगा पानी। ये देखें बॉइलिंग स्टार्ट है इसकी। ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो जी, ये थी अनबॉक्सिंग इसकी और मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। ये थी हमारी मीडिया ब्रांड की मल्टी फंक्शनल इंडक्शन कुकर, मॉडल नंबर है इसका IH2006 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आगे फर्दर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।